Hey people, I hope you guys are doing absolutely fine. Welcome back to another vlog. फिलहाल तो हम ATM जा रहे हैं. And before I leave my home, सबसे important thing है ये N95 mask. Anyways, I'm gonna go and रास्ते में बात करते हैं बहुत सारी. Okay, तो सबसे पहले इस lockdown में मैंने अपने थोड़े बाल लंबे कर लिए हैं. आंटी अंकल आंटी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा डेफिनेटली. Anyways, जल्दी काटूंगा. तो मैं क्या सोच रहा था कि लॉकडाउन में पूरा वाइंस बना के गुजार लूंगा टाइम. बट क्या होता है ना, वाइंस का स्क्रिप्ट भी रेडी है, आधा शूट भी हो गया, लेकिन जो मेरा कैमरा मैन है, जो मेरा कज़न है, वो अच्छे से कैमरा को पकड़ ही नहीं पाता. उसको जितना भी सिखाओ ना, उससे होता ही नहीं है. उसके पता नहीं दिमाग में गोबर है या टट्टी है, वो सीखने को रेडी भी नहीं है और शॉट्स कंप्लीट होते भी नहीं है. तो वो सब बहुत डिले हो रहा है मेरा वाइंस. अरे इसी का शू है, तो चोरी कर लेगा क्या? कोई भी नहीं, मजाक कर रहा है. ओके, तो अरुणाचल के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में, कैपिटल कॉम्प्लेक्स बोले तो अरुणाचल के कैपिटल रीजन में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है बिकॉज ऑफ द हाई रेट ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ COVID-19. तो उसके वजह से लॉकडाउन किया हुआ है एंड अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एबल टू गो एनीवेयर. बट फिर भी कुछ लोग वॉकिंग करके, मतलब अपना जो ग्रोसरीज होता है वो सब लेने के लिए जाता है. सो डू आई एम गोइंग टू द ATM टू गेट द मनी आउट ऑफ इट. उसके बाद आई हैव सम वर्क्स एज वेल बिकॉज आई रियली आई एम लो ऑन ग्रॉसरीज एंड आई डोंट नो इफ आई एम गोना गेट देम. तो मैं क्या सोच रहा था कि किसी से स्कूटी या बाइक लेके बोरो करके ATM चला जाऊंगा. देखो देखो ये भाई साहब की हिम्मत. तो मैं भी बाइक स्कूटी लेके चला जाता, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर पुलिस वालों ने पकड़ लिया ना, अगर पुलिस वालों ने स्कूटी वालों या बाइक वालों को पकड़ लिया, तो पिछवाड़ा तो सफ़ेद से तो कन्फर्म लाल कर देगा. वैसे भी मेरा प्यारा सा छोटा सा दो कप है, तो मुझे इसे लार्ज कप्स नहीं बनाने हैं. तो दैट्स वाई आई थॉट कि लेट्स नॉट टेक रिस्क, जस्ट वॉक भी कर लेंगे. एंड ATM आई थिंक 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहाँ से वॉकिंग भी हो जाएगा, पैसे भी निकल जाएंगे, मेरे पिछवाड़ा भी बच जाएगा. तो ऐसा सोच के आई एम वॉकिंग. ओके, तो ये है अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव. एंड समटाइम्स आई थिंक कि यहाँ का रास्ता सिर्फ क्यों अच्छा है, बिकॉज इफ़ यू गो डाउन इन सम अदर पार्ट्स, वहाँ में रोड कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है. ओनली दिस रोड इज़ ओके, अदर देन दैट सब लोग वेरी बैड. एंड लकीली एंड फॉर्चुनेटली IDBI का ATM खुला हुआ है. HDFC, SBI कहीं भी खुला नहीं था. दिस इज़ दी ओनली वन ओपन. यहाँ में और भी 3-4 ATM है, तो दिस इज़ दी ओनली वन ओपन. सॉरी, यहाँ SBI का नहीं है, तो जो भी हो IDBI का इज़ दी ओनली ATM ओपन है. कसम से IDBI का कोई एम्प्लॉई देख रहा है तो हम कल से आफ्टर दिस लॉकडाउन हम IDBI का ही ATM कार्ड बनाएगा. भाई साहब, एक सेकंड का खुशी मिला था एंड वी रिग्रेट दैट द ATM इज टेम्प्रोरी आउट ऑफ सर्विस. IDBI तुम लोग का ATM कार्ड ना हम बनाएगा ही नहीं, जाओ सर. अरे जब मैं बाहर आया ना, आई रियलाइज इतनी सारी गाड़ी स्कूटियाँ तो चली रही हैं. आई डोंट नो मैं बुद्धू हूँ या फिर इनका पिछवाड़ा लोहा का है, क्या हो रहा है भाई. तो एंड में जाके मुझे वो SBI का ATM मिला. SBI भाई मजाक कर रहा था. हाँ, नो IDBI, SBI फॉर लाइफ, कभी लाइफ टाइम ब्रांच चेंज नहीं करूँगा. ओके, सो आई एम डन विद टेकिंग द मनी आउट ऑफ द ATM. बहुत लंबी लाइन थी, अराउंड 30 मिनट्स, तो नहीं तो 20 मिनट तो लगी गए होंगे. एंड वन थिंग मैं वहाँ नहीं बोल पाया क्योंकि लोग सुनेंगे तो ऑकवर्ड हो जाएगा. यू नो आई एम ऑल्सो नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन. ठीक है, बहुत कॉन्शियस वाला नहीं, मुझसे दूर जाओ, सोशल डिस्टेंस, लेकिन भी थोड़ा सोशल डिस्टेंस तो बनाना रहता है ना. मतलब ATM में लिटरली लोग सटक के बैठे हुए थे. आई वाज लाइक कि नहीं, एक वन हैंड डिस्टेंस तो रख ही लो. लोग कहते हैं कि 1 मीटर का डिस्टेंस रहना चाहिए. आई वाज लाइक कि नहीं, एक वन हैंड का डिस्टेंस आप हमसे रख ही लो. आई एम नॉट दैट कॉन्शियस कि कोरोना हो जाएगा कोरोना हो जाएगा, बट फिर भी प्रिकॉशंस लेना भी ज़रूरी है ना. ओके, सो बैक टू द होम एंड अबाउट द ग्रॉसरीज मेरे घर के नीचे पे छोटी छोटी दुकानें बैक साइड से खुली हुई रहती है, तो वहाँ से जो भी दालचीनी चावल रहेगा वो बाद में ले लूँगा. तो बिफोर दैट आई गो होम, टेक बाथ, सैनिटाइज माई ट्राईपॉड माई फ़ोन, बिकॉज आई नेवर नो, नो वन एवर नोज कि कब आपका फ़ोन ट्राईपॉड हाथ में कोरोना लग जाएगा.
तो है, हम नहीं चाहते कि मेरा कजिन मेरा वजह से बीमार हो जाओ और इलाजिंग खराब. So with that being said, thank you very much for watching this boring wala vlog. If you didn't like it, then जी खोल के dislike करो, no problem. And yeah, that's it. I'll see you up next time. As always, you guys are amazing. Peace. By the way, guys, आज रात मेरी एक दीदी मुझे पुलाव कैसे बनाती है वो सिखाने वाली है. तो hopefully if everything goes right, I'll make pulao as well as I'll make a time lapse video of pulao for my Instagram. So if you haven't followed me on Instagram yet, then do follow me on Instagram. My ID is @karkaymr11. But hey, आज से तुमका बढ़िया ना पुलाव खिलाएगा. पुलाव का नाम पे बाजी का नाम मत खिलाओ. Bye bye.